हाउस में सेकंड हाउस अगर मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य, सैटर्न, मार्स, राहु, पहले इन तीन को ही ले लो, चलो राहु के तो बाद में, एक्सपेंसेस हाई, दूसरे भाव में जिसके सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, उसके एक्सपेंसेस हाई होंगे। राहु केतु है, स्पॉइल द फाइनेंसेस, मरकरी बैठा है, एश्योर्स मनी, मनी कम्स एंड गोज फास्ट, स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मरकरी के बैठने से, एब्रप्टली बिना रुके के आता रहेगा, नो रुकावट, कोई रुकावट नहीं है पैसा आने जाने में। मरकरी ये एश्योरेंस देता है जुपिटर से अगले भाव में। वीनस रेगुलर फ्लो ऑफ मनी, अगर वीनस प्लस मरकरी है, लॉट ऑफ इनफ्लो, एंड टू मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, सर ये मर्क्यूरी में आपने क्या लिखा है एब्रप्टली के बाद? नो रुकावट। अच्छा नो रुकावट। ठीक है, अब इसी में मान लो वीनस प्लस मेलिफिक है तो क्या होगा? अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अब ये तो हो गया सेकंड हाउस का। कुछ चीजें मैं साथ में जोड़ रहा हूं वीनस के बारे में, क्योंकि वीनस पैसा अपने आप में ही पैसा है, तो वीनस की कौन सी राशि में कैसी स्थिति, हालांकि हम वीनस को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं तो वीनस के बारे में बता। मान लो वीनस जो है कैंसर में है। सर ये हम जुपिटर से कर रहे हैं ना सारी प्रेडिक्शन? अभी तो जुपिटर से कर रहे हैं, मगर क्या होता है, इसीलिए ये साथ में चीजें जोड़ रहा हूं मैं। जैसे मान लो मैंने बता दिया सेकंड हाउस के अंदर में ये सब आया तो क्या होगा पैसे का? मून नहीं बताया। मून, मून क्या करता है? मून भी कम्स एंड गोज फास्ट, मून बैंक बैलेंस नहीं बनने देता, लिख लो, मनी कम्स एंड गोज फास्ट। अब ऐसे में मान लो वीनस किसी का है तो सेकंड हाउस में, मगर कैंसर में आ गया, जुपिटर से सेकंड हाउस में ही है मगर कैंसर साइन में है, तो क्या होगा? यहां पर भी मनी कम्स एंड गोज फास्ट, सेजिटेरियस में आ गया, सेजिटेरियस जो है ड्राई प्लेस है,
लो इनफ्लो ऑफ मनी, वीनस विल नॉट गिव मोर मनी, मतलब अगर सेकंड हाउस में वीनस है, हम कहते हैं बहुत अच्छा है, पैसा फटाफट आएगा, फटाफट आदमी के पास में इनफ्लो इज गुड, मगर ऐसे में राशि का भी प्रभाव है, चार नंबर में आएगा फटाफट निकल जाएगा, अगर नौ नंबर में है तो वहां ड्राइनेस देगा, अच्छा इनफ्लो नहीं होगा पैसे का। ये सब चीजें जो है वो साथ साथ हैं, मतलब खाली अकेला वो सेकंड हाउस का वीनस एश्योरेंस तो दे रहा है, मगर साथ में ये सब चीजें भी दे रहा है। अगर वीनस एग्जॉल्टेड है तो क्या होगा, कोई बताएगा? तो डिजायर दे देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। पैसा डिजायर दे धार्मिक कार्यों में काम करेगा सर, पैसा तो हम बिल्कुल देगा। नहीं, हम खर्च की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम खर्च की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो डिजायर बहुत ज्यादा दे देगा और वो फिर बहुत उसी तरह काम करे सर, लग्जरी भी देगा और डिजायर भी देगा। किसी का जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड आ गया, लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी, अगर मेल चार्ट में वीनस एग्जॉल्टेड है वे मेल विल गेट लॉट ऑफ मनी आफ्टर मैरिज, मतलब देखिए वीनस जो मान लो वीनस एग्जॉल्टेड भी बैठा है मगर वो एक्टिवेटेड नहीं होता मेल चार्ट में जब तक शादी नहीं होती। आप हमेशा याद रखना इस चीज को, मेल चार्ट के अंदर में वीनस हमेशा तभी एक्टिवेटेड होता है जब उसकी शादी हो जाती है। अब वो वीनस कैसा है वो डिपेंड करेगा, मान लो अच्छा वीनस बैठा है, मान जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस है, उच्च का वीनस बैठ गया, अपनी राशि का वीनस बैठ गया, तो ऐसे मेल की शादी के बाद में तो लाजमी प्रोस्पेरिटी है ही है, कोई कारण नहीं है। आप किसी के चार्ट में भी शनि और वीनस है, या शनि के साथ ट्राइन में वीनस है, या शनि के सातवें में वीनस है, निश्चित तौर पे 100% चार्ट में, मैं 90% भी नहीं कह रहा हूं, 95 भी नहीं, प्रोस्पेरिटी आफ्टर मैरिज किसी के चार्ट में भी देख सकते हैं। यस सर, एकदम बिल्कुल सही। किसी का भी, तुम्हारा भी हुआ होगा अभिजीत। हाँ सर, इसलिए बताया। प्रोस्पेरिटी आफ्टर मैरिज, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का कारक है, वीनस धन देने वाला है, प्रोस्पेरिटी बिगिंस, बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है किसी भी मेल चार्ट में शनि और शुक्र का मेल, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, शादी के बाद इमीडिएट प्रोस्पेरिटी है। मेरे लिए फीमेल के चार्ट में क्या क्या कंडीशन है? फीमेल के साथ में देखिए फीमेल क्या है, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी के अंदर में चंदेल जी फीमेल जो है वो मेल के साथ बंधी हुई है, क्योंकि उसकी शादी से पहले की प्रोस्पेरिटी कोई मायने नहीं रखती है और शादी के बाद हस्बैंड की प्रोस्पेरिटी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। मगर फिर भी अगर जो जो कॉम्बिनेशन है धन के वो है फीमेल चार्ट में भी, अगर शनि जो है वो वीनस से, मरकरी से और राहु से कॉम्बिनेशन बनाता है तो ये सारा का सारा धन योग है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आज
मान लीजिए वर्किंग वुमेन है, एक चीज फिर आप कहेंगे, आप आगे चले जाते हो, किसी भी फीमेल के चार्ट में सपोज करो, ज्यादातर हम तुम लोगों की तो जो शादियां हुई हुई हैं वो होम